नमस्कार दोस्तों, आज जिस सक्सेस में आपको रूबरू कराने वाला हूं, उनका नाम है सरदार दलीप सिंह मक्कड़ साहब, जो कि एक वरिष्ठ नेता और भाजपा के समर्पित और समर्थित नेता हैं। और इस इंटरव्यू में वो बहुत सारे स्टेटमेंट देंगे अपने कोरोना से रिलेटेड, निजीकरण से रिलेटेड, पेट्रोल डीजल की महंगाई से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं दलीप सिंह मक्कड़ साहब। बहुत अच्छा लगा आप आए हैं, बहुत बहुत आपका वेरी वेरी ग्रेट, आपका वेलकम करता हूं मैं आपका। कोरोना इस समय मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, तो उस पे क्या कुछ विचारधारा अपनी बताइए, क्या है जी? मैं यही कहना चाहता हूं कि बिना भेदभाव के वैक्सीन लगवाएं और हम लोग नागरिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य निभाते हुए बिना भेदभाव को, जो लोग नहीं जा सकते उनको सेंटर पे, जहाँ वैक्सीन सेंटर पे इंजेक्शन लग रहे हैं वहाँ पे ले जाएं। यही मानव समाज की सेवा इस समय सबसे बड़ी सेवा है, और कुछ जिनकी आर्थिक स्थिति जो हम कर सकते हैं वो करें, ये ही मानव सेवा है। वरिष्ठ भाजपा समर्पित नेता मक्कड़ साहब, अभी अगर आप समाज सेवा में आए होंगे या फिर जब आपने ये राह पकड़ा होगा तो आपने ये सोचा होगा कि समाज का कैसे भला हो, किस मुद्दों को मैं उठाऊं जिसे समाज का भला हो। जब कांग्रेस का राज था आज से 10 साल तक, भाजपा से पहले, तो पेट्रोल के रेट बढ़ते थे 1 रुपये या 50 पैसे भी, तो आप लोग हंगामा कर देते थे। आज आपकी सरकार आई है, भाजपा पिछले 10 साल से राज कर रही है देश पर, तो आज 5-5 रुपए पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, कहीं 101 रुपए, कहीं 92 रुपए, रुद्रपुर में 92-93 रुपए चल रहे हैं। आप इस पे क्यों नहीं बोलते हैं, यहाँ क्यों आप लोगों की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है, आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, मीडिया इस पे कुछ नहीं बोलना चाहती है, जो आप लोग हैं आप लोग कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो परिस्थितियां बनती हैं, जो हमारा फॉरेन कंट्री से जो ये आता है पेट्रोल केरोसिन डीजल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आती हैं जी, चाहे कच्चे में आए चाहे पक्के में आए, उस पर वहाँ के भी कुछ रेट जो हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं जी, बिल्कुल। तो उस पर भी स्थिति जो है वो बहुत सी निर्भर करती है, लेकिन एक मैं बात कहूँगा कि जैसे उस चीज़ पे GST वगैरह लगी हुई है, कुछ किराया भाड़ा कई जगह ज़्यादा पेट्रोल का होता है, कई जगह कम होता है, तो कुछ राज्य सरकारों का भी होता है, कुछ राज्य सरकारें भी उसको कम करती हैं, तो कोरोना काल में तो इसे वैसे कम करना चाहिए था स्थिति को देखते हुए। जब डीजल पेट्रोल का जब दाम बढ़ता है बिल्कुल, तो गाड़ियों का जब सारी ट्रांसपोर्ट जो होती है जी, तो उसी समय ही महंगाई का असर पड़ जाता है जी। किसी इंडस्ट्री से अगर हमने बंगाल से या कहीं इंडस्ट्री से दूर से 5-7 हज़ार किलोमीटर जो भी दूरी हमारी होती है, 2-3 कई बार तो 2-2 हज़ार किलोमीटर की दूरी पे हो जाती है, कलकत्ता बम्बई से जैसे यहाँ पे, और कहीं पे 500-400, तो वो ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ जाता है, तो वो महंगाई पे भी असर पड़ता है। सर, ट्रांसपोर्टेशन का असर क्या तब पड़ता है जब भाजपा की सरकार होती है, जब कांग्रेस की सरकार होगी तब भी पड़ता होगा? इसमें तो तब तो 50 पैसे और 25 पैसे और 1 रुपए के हंगामा है, आज 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए पे हंगामा है, तो उस समय भी तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का इशू रहता होगा जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये तो कोई भी सरकार हो जी, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य दलों की भी हो, लेकिन वो सब पे असर पड़ता है जी। जब रेट डीजल पेट्रोल का ये पड़ता है तो कोई भी सरकार हो, ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ता है, तो वो महंगाई पे आ जाती है जी। तो ये तो सब पे असर पड़ता है जी। सर, बस मेरा यही दरख्वास्त रहेगा आगे भी कभी भी, कि जिस तरीके से कांग्रेस का राज्य रहता है, किसी का राज्य रहता है केंद्र में, तो आप लोग जिस तरीके से हंगामा मचा देते हैं, सेम वैसे ही जब आपकी पार्टी भी अगर कोई रेट बढ़ाती है या तय करती है, तो आपको सेम उसी पोजिशन में ही प्रोटेस्ट करना चाहिए। वजह सिर्फ इतना है कि आप लोग जनता हित के लिए हैं, देश हित के लिए हैं, ना कि पार्टी हित के लिए, बाकी आप हैं। अभी किसान का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, कुछ 8-10 महीने हो गए किसान अपने बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो उस पर क्या विचारधारा है आपकी, कहाँ तक वो किसान की चीज़ें ठीक हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा कुछ उस पर प्रक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है? ऐसा नहीं था
केंद्र सरकार लगातार पहले प्रयास करती रही जी कि हम आपकी मांगों को मानने को तैयार हैं। MSP पे उन्होंने कहा था, एक बहुत अच्छा कानून बना दिया है केंद्र सरकार ने, MSP जो है वो हर फसल की निर्धारित की जाएगी, गेहूं की, धान की, चने की, जितनी भी दलहन वगैरह हैं और जितनी भी फसलें हैं जैसे मक्का है, बाजरा है, सबकी MSP जो है वो तय की जाएगी और अच्छी खासी हर साल बढ़ाई जा रही है। अभी धान का 65 रुपए से लेके 65 रुपए पर जो बढ़ा दिया है रेट। अब ये पहले तो किसान इतने भ्रमित थे हमें MSP चाहिए नहीं है, अब कहते हैं कि हमें गारंटी दे। सरकार बिल्कुल MSP की गारंटी दे रही है जी। लेकिन उसमें एक मानक होता है, उसमें मानक ये होता है कि जैसे धान लेना है तो धान में नमी नहीं होनी चाहिए ज्यादा, धान में जो चावल है वो मजबूत चावल होना चाहिए, खोखला चावल नहीं होना चाहिए, और जो चावल में चमक हो। तो सरकार जो MSP पे ये पूरा रेट देगी। सरकार ये भी कह रही है कि हम सरकार कांटे भी लगाएगी पूरी, और वहाँ पे जो है एक माउचर जो जो एक मशीन छोटी सी होती है, आप कुछ धान अपना सुखा के ले जाइए, अगर उसमें नमी है उसमें जाके टेस्ट करा लीजिए। मेरा भी कहना, मैं कई बार भारतीय खाद्य निगम का सलाहकार सदस्य भी मैं रहा, मैं बार स्टेटमेंट बयान भी जारी करता रहा, आप ले जाइए और उसमें देख लीजिए, अगर नमी है तो फिर थोड़ी सी और धूप लगवा लीजिए या पंखा चला लीजिए, और उसके बाद में आप वहाँ ले जाइए, आप सरकारी जितने खरीद केंद्र हैं आप वहाँ पे ये धान है या गेहूं है जो भी फसल है जो मानक के अनुसार पे आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुरंत आपकी जो है सरकारी खरीद की जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अब जो किसान हैं, अब इनके कई तरह तरह के बयान आते रहते हैं और ये कोई संवैधानिक पद पे तो बैठे नहीं है, ये जैसा चाहते हैं वैसा बोल लेते हैं, किसान जैसा चाहते हैं वैसा बोल लेते हैं। सरकार अब भी चाहती है कि सरकार भी चाहती है कि किसानों से बैठ के किसी सही मुद्दे पे समस्या जो है हल हो जाए। अभी कुछ समय ये भी दिया गया था कि MSP या जिस तरह की स्थिति है वैसे रहने दी जाए, तब भी किसानों ने कोई अड़ियल रवैया ही अपना रखा है और कुछ विपक्षी पार्टियों का उनको समर्थन भी है, और ये जो है ये देश के लिए ठीक नहीं है। MSP जो है अगर देश में लागू नहीं होगी तो सारी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी और किसी चीज़ का रेट जो है वो नियंत्रण पे नहीं रहेगा। फिर भी सरकार चाह रही है किसी तरह समाधान हो जाए, क्यों कि ये हम इसकी इससे हमारे देश की छवि जो है, किसान जो आंदोलन में बैठे हुए हैं इससे हमारे देश की छवि बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब हो रही है। चलिए, ये एक आपका अलग मुद्दा है जिस पे आपकी जवाबदेही थी। निजीकरण पे सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है, रेलवे आपका निजीकरण पे चला गया है, विद्युत विभाग आपका निजीकरण पे चला गया है, सारी चीज़ें अडानी अंबानी को दे दी गई हैं, गैस या पेट्रोल, और LIC जो एक गवर्नमेंट संस्था थी जिस पे लोग भरोसा करते थे, अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, वो भी आप लोगों ने निजीकरण कर दिया, उसको भी बेच डाला है। और निजीकरण के वजह से कहीं ना कहीं नौकरियों का बहुत ज़्यादा हश्र हुआ है। आपकी जो सरकार वादा करती है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, मुझे नहीं लगता है कि 2 लाख लोगों को भी रोजगार मिला। देखिए, मैं पहले मुद्दे का आपको जवाब दे लूँ जी। बिल्कुल, जो रेलवे का अगर निजीकरण अगर हो जाएगा, जैसे हम 100, 105, 10 रुपए में यहाँ से हम दिल्ली की यात्रा कर लेते हैं जी, हम जिस तरह कर लेते हैं, प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो वो अपना मुनाफा भारी देखेंगी। बिल्कुल देखेंगी, देखेंगी तो सरकार तो घाटा भी बर्दाश्त कर लेती है और नफा भी बर्दाश्त कर लेती है। बिल्कुल, तो बियर कर लेती, सेन कर लेगी वो, घाटा भी अभी उसके लिए कोई नहीं है, और जब प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो वो भारी नफा अपना ढूंढेंगे, तो ये आम नागरिक को परेशानी हो जाएगी जी। सरकार की भले एक बार सिरदर्दी हट जाए लेकिन वो हो जाएगी। अब बिजली है, कई बार हम लोगों के पास पैसा नहीं होता, हम साल साल
हम नहीं दे सकते हैं जी। हमारी आर्थिक स्थिति कई बार डगमगा जाती है, हम एक एक डेढ़ साल भर बिजली का बिल नहीं दे पाते हैं, फिर थोड़ी हमारी सुधार होती है, हम इंस्टॉलमेंट में दे लेते हैं। जब प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी, विद्युत विभाग में आ जाएंगी, तो वो तो अपना पहले पैसा हमसे रेंट लेंगे और उसके बाद में हमारी कट कर देंगे जी, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। चाहे रेलवे और विद्युत विभाग जो है, ये बिल्कुल इनका निजीकरण नहीं होना चाहिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। अगर ये हुआ तो गरीब लोगों के लिए, आर्थिक स्थिति जिनकी खराब और है तो उनकी और खराब हो जाएगी। आप भाजपा समर्पित हैं और आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या इसके लिए क्या स्टैंड लिया आपने, या क्या आपने सीनियर से बात की, या क्या किया? देखिए, मैं भी जाता हूँ जो है, मैं भाजपा समर्थित नेता हूँ, लेकिन मैं अपने पत्र जो है, कई अपना पत्र कई बातों के लिए, कई तरह के विकास के लिए और लोगों के लिए, जिस तरह की उनकी आर्थिक स्थिति है, और कई विभागों के, ये जो भी मुझसे बन पड़ता है वो मैं बहुत ज़्यादा उस पर लिखता हूँ, काम भी करता हूँ। मैं उत्तराखंड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य था। मैंने उस समय क्या हो रहा था कि हमारे जो ये मजदूरों की थी, ये 66-67 सौ रुपये पड़ रही थी सैलरी, महंगाई था डाल के 66-67 सौ रुपये। मैंने 8-10 मीटिंग उस पर काफ़ी ज़ोरदार से मैंने उन मामलों को उठाया। आज जो है, आज जो कम से कम 83-85 सौ मजदूरों की जो सैलरी जो मिल रही है, और ये हिसाब लगा लीजिए, इस पहले 66 रुपये थी। हमने उस पर भी, मैं स्वतंत्र सदस्य था, इन लोगों ने जो 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 ये प्रतिनिधि सिडगुल की तरफ से जितने भी थे, इन लोगों का ये कहना था कि आप 700 रुपये बढ़ा लीजिए। मैंने कहा देखिए, बहुत महंगाई है, बच्चों की पढ़ाई का बहुत खर्च है, कई लोग आके यहाँ रेंट पे रहते हैं, रेंट पे आके रहते हैं जिनका, ये लोग बेचारे, यहाँ किराया बहुत महंगा है रुद्रपुर के, दिल्ली के बराबर ही, मैंने कहा ये किराया हुआ पड़ा है तो इनकी बहुत ज़्यादा है। फिर हम लोगों ने पूरी कई मीटिंग हमारी हुई, इन लोगों ने, हमने पूरी सूचीबद्ध मंगाई गई, पूरी पूरे प्रदेशों से मंगाई, सारे प्रदेशों से मंगाई। यूँ फिर मुद्दा उठाया कि आप किसी भी स्टेट से लगा लीजिए, मैंने कहा दिल्ली का आप दे दीजिए हमें ये मजदूरों के लिए। तो इन्होंने कहा इका तो हम नहीं, मैंने कहा दिल्ली का ही हमारा किराया, आप सर्वे कर लीजिए। आप दिल्ली में कुछ 10,000 रुपये कुछ थी न्यूनतम वेतन जो था, वो 10,000 कुछ था, हमने कहा वो बढ़ा लीजिए। फिर भी हमने, मैंने प्रयास किया और भी किया प्रयास करके, आज लगभग जो है ये दूसरे नंबर का प्रदेश है जो सबसे न्यूनतम वेतन जो ज़्यादा मिल रहा है। आपको लगता है लोकतांत्रिक तानाशाही हो रही है सरकार की तरफ से? लोकतंत्र में कोई तानाशाही तो नहीं हो रही है, जिस तरह से मॉल बन गया है, जिस तरह से बयानबाजियां आ रही हैं विपक्षी पार्टियों की, इतनी आ रही है बयानबाजी हो रही है, आम आदमी बोलने लग गया है कि भाजपा या ये पार्टी जो है ये तानाशाही हो रही है। ऐसा है तो नहीं, लेकिन जिस तरह से अफवाहें और जो बयानबाजी चल रहा है, ये इस तरह से देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। आप दुर्भाग्यपूर्ण भावना की बात करते हैं, तो मुझे कुछ पीछे मैं देखता हूँ तो जितनी बयानबाजियाँ या जितना स्टेटमेंट या जितने पुतले आपके कांग्रेस के टाइम में भाजपा ने फूके, या उस समय स्मृति ईरानी जितना हाय हल्ला मचा रही थी, चाहे वो पेट्रोल डीजल को लेकर हो, चाहे चीज़ें हों, आज आपका कोई भी वरिष्ठ नेता इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी पर लेने को तैयार नहीं होता कि ये चीज़ें हैं, ना निजीकरण पर बोलना चाहता है। तो ये अगर इसके लिए अगर कोई दूसरी पार्टी अगर थोड़ा बहुत बोल भी देती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ गलत है। और उसके साथ साथ पत्रकार बंधु भी पहले बहुत एक एक चीज़ों के लिए महंगाई को लेकर, जीडीपी को लेकर हंगामा किए रहते थे, आजकल कहीं ना कहीं पत्रकार में भी ये चीज़ें आ गई हैं कि वो इन मुद्दों पे बात ना करके बाकी दूसरे मुद्दे को उठाते हैं। सुशांत का मुद्दा, सुशांत सिंह राजपूत जो अभी मरे और बहुत दुखद था, वो उसके मुद्दों को आप एक एक महीना टीवी पे चला देते हैं बिना किसी के,
और कोरोना जो इतना बड़ी महामारी थी जो चल रही थी उसको बिल्कुल दबा दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें गलत नहीं है? क्या ये लोकतांत्रिक हास्य नहीं हो रहा है? क्या ये मीडिया जो चौथा स्तंभ बना पड़ा है ये अपने राह से कहीं नहीं भटक रहा, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, देखिए मीडिया में बड़े अच्छे लोग भी हैं और वो बड़ी जिम्मेदारी समझ के कुछ लोगों के लिए कुछ मुद्दों को उठाते हैं, कुछ जागरूकता भी लाते हैं जी। मीडिया में बहुत अच्छे लोग हैं जी, और उसमें कुछ लोग ये है कि इसे व्यवसाय पेशे की तरह भी कुछ लोग कर रहे हैं, वो भी गलत है। चौथा स्तंभ बहुत अच्छा है, ये हर चीज़ से अवेयरनेस देता है, जागरूकता देता है, हर मुद्दे पे देता, हर सब्जेक्ट पे जो अवेयरनेस देता है, तो कई लोग तो बड़ा अच्छा काम जिम्मेवारी से करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ब्लैकमेलिंग या कोई तरह का करता है, तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बड़े दुखद बात होती है। उस समय मीडिया में जब मैं कहता हूँ कोई भी चीफ ब्यूरो बने या एडिटर बने या कोई भी किसी तरह पत्रकारिता करता है या किताब की करता है या लेखक है, तो वो अच्छी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। वो पहले समझ ले कि अपने आप को कि मैं चाहे किसी भी आर्थिक स्थिति जूझूं या किसी भी कंडीशन से और मुसीबत भी विपदा आ जाए, कई बार बेचारे लिखते हैं दूसरे लोग और उन्हें मुसीबत दे देते हैं, विपदा आ जाए, तो वो इसके लिए तैयार होकर ही इस सब्जेक्ट में आए जी। सर, दिल्ली में कुछ दिन पहले ही एक नई पार्टी का गठन किया गया, आम आदमी पार्टी, अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी वो, और बहुत कम समय में बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। 3 बार वो मुख्यमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल जी अभी मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। दिल्ली के जो स्कूल के हालात हैं वहाँ के लोगों से सुनने में या पढ़ने में या समझने को मिलता है कि वो पहले से बेहतर हो गए सरकारी स्कूलों के हालात, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हालात बेहतर हो गए हैं, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के हालात भी उसी तरीके से सरकार चाहे तो बेहतर बना सकती है, और उसके वजह से फिर यहाँ के जो छात्र हैं उनके जीवन पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा? ऐसा ना, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तो सक्सेसफुल हो सकते हैं जी। अगर वहाँ अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो वहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जी। कई स्कूलों की तो स्थिति ये हो गई कि 5-5 बच्चे जी और 10 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, कई क्लासें भी खत्म हो गई। वैसे कक्षा 5 तक है या 8 तक है, कई क्लासें ही खत्म हो गई, अगर 10 तक है उसके बीच में भी हो गई, ये हालात पैदा हो गए। अब जो गरीब आदमी और भी जो शर्म के मारे वो बच्चे को वहाँ बेचारे भेजते नहीं है, ना पढ़ाई वो टाइमली से होती है। जब बच्चे होते हैं तो टीचर का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेदारी भी उसे महसूस भी होती है और बढ़िया वो भी बेहतर करना चाहता है। जब बच्चे नहीं होता है तो उनके मन में भी हीन भावना आ जाती, वो भी अपनी ड्यूटी मतलब पूरी करने वाली बात होती है, हो सकता है। लेकिन शहरों में ये स्थिति मुश्किल है जी, शहरों में ये सरकारी स्कूलों वाली स्थिति ठीक नहीं हो पाएगी। छोटी मोटे कोई कस्बे हो जाए, बड़ी घनिष्ठबादी हो या छिड़ा छिड़ा हो, वहाँ तो हो जाए, लेकिन शहरों में मुश्किल है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाएगी। सरकार अपना प्रयास करे, अच्छी बात है, सरकार को प्रयास करना भी चाहिए और सरकार अपना प्रयास करे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैंने 3-4 बार जाके वहाँ केंद्र में भी दिया है, मानव संसाधन को भी दिए थे, कि आप जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी मैंने पत्र दिया था कि यहाँ पे जो है मानव संसाधन जो स्कूलों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ा दी जाए, गरीब लोगों को किसी तरह ज़्यादा एडजस्टमेंट किया जाए। तो दिलीप सिंह मक्कड़ साहब, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, आपकी जो जवाबदेही थी बहुत अच्छा रहा उसमें, कि आप जहां सरकार गलत है आप ये हिम्मत रखते हैं कैमरे के सामने बोलने का कि यहां गलत है, और जो चीज़ें ठीक है उसको आपने बहुत बखूबी बताया, समर्थन करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर। सर, मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, इसके दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह जागरूकता अच्छी फैलाते रहेंगे और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको आप उठाते रहेंगे और जागरूक लोग के पास जाते रहेंगे, या नेता या धार्मिक या समाज के अच्छे लोग जो हैं आप जाते रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा। और आप, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सरकार के हर मुद्दे पे आपने
बहुत अच्छी तरह से जो वक्त ज्वलंत मुद्दों को उठाया वो बहुत अच्छा है, और आप इस तरह समाज में जाते रहे, जिस तरह से समाज के मैंने आपको बता दिया है कि इन लोगों से जैसे अच्छे कोई नेता हो या अच्छा धार्मिक हो या कोई अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, तो इस तरह आप उनके बीच में जाते रहें और सरकार की बातों को भी उठाते रहें और जो कमियां हैं उसको भी आप उठाते रहें और जो अच्छाई है सरकार की उसकी भी तारीफ करते रहें, मैं यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे सरदार दिलीप सिंह मक्कड़ साहब, जो भाजपा समर्पित राजनेता हैं, बहुत सारे विभिन्न पदों पर रहे हैं। ये इंटरव्यू देखकर आप लोग को बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका पूर्णतः विरोध कर रहे हैं भाजपा समर्पित होने के बावजूद, और जो नीतियां अच्छी हैं उसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है किसी नेता में। तो नए इंटरव्यू के साथ मिलता हूँ आप लोग को, जब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ मिनट।